ये मंदिर कितने साल पुराना है? ये 2001 में बना है। दोस्तों आज मैं आपको माँ सीता माता का प्रसिद्ध चमत्कारी मंदिर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो भी आता है उसकी हर मनोकामनाएं माँ सीता पूरी करती हैं, और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग माता सीता के दर्शन करने आते हैं। और इसी स्थान पर माता सीता ने जल समाधि ली थी। ये मंदिर जितना चमत्कारी है उतना ही सुंदर है। ये मंदिर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, पानी के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सारी मूर्तियां तांबे की बनी हुई हैं। सामने माँ सीता जी की मूर्ति बनी है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये। ऐसा लग रहा है कि माता सीता साक्षात दर्शन दे रही हैं। मंदिर के नीचे सीता समाहित स्थल है, यहीं पर माता सीता ने समाधि ली थी। ये देखिए, ये माता रानी की मूर्ति बनी हुई है। '1995 में ये पहली फ़ोटो ली गई थी, उसके बाद मंदिर की स्थापना हुई थी। ये देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है और ये मंदिर जंगल के बीच में है। दोस्तों इस मंदिर में बहुत सारे कछुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तालाब में बहुत सारे कछुआ आए हुए हैं। कछुआ चाहिए आपको? कछुआ चाहिए? चाहिए? कितने चाहिए? 5 चाहिए? लेकिन आप इसे क्या करोगे? हमको खिलाओगे खाना। अच्छा, खाने खिलाओगे? ये कछुआ, ये दो है, दो एक आगे भी है। बहुत अच्छा फोटो दिया आपको, ये देखिए। ए शाबाश शाबाश, ये देखो कछुआ, कछुआ जल्दी आओ, जल्दी जल्दी कछुआ देखो, ये देखो कछुआ, देखो देखो देखो। कुछ बिस्कुट बिस्कुट है? बिस्कुट नहीं, कुछ बिस्कुट बिस्कुट नहीं लाई हो? बिस्कुट कहाँ प्रसाद होगा? अरे यहाँ इतना जल्दी क्यों करते हो? और इस मंदिर में सारे पेड़ अधिकतर तुलसी के ही हैं। ये देखिए, ये भी तुलसी के लगे हैं, ये भी तुलसी के हैं। सामने बोटिंग करने का भी है। बोटिंग करना है आपको? कहीं गिर गए तो? कहीं गिर गए तो? अरे मतलब बोटिंग मतलब नाव के ऊपर चलोगे? चलोगे पक्का? डरोगे तो नहीं? नहीं। शिबू बोटिंग करोगे आप? हाँ। नाव चाहिए? हाँ। चलो फिर आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, आ जाओ, आप उठाओ उठाओ। मंदिर कितने साल पुराना है? ये 2001 में बना है। 1995 में बना था, 2001 में ओपन। अच्छा, 1995 में नींव रखी गई होगी। और 2001 में बना है। पहले से भी मतलब 2001 से आदमी मतलब जानने लगा। हाँ हाँ, नहीं अच्छा, ओपनिंग और पहले हुई। अच्छा, सीता माता यही हुई इतना समाहित? फटा हुआ दृश्य में आप घूमे, सीताकुंड के नाम से भी जाना जाता है। सीताकुंड भी है? अच्छा, सीता यहीं पर समाहित हुई थी। चलो चलो कहीं आराम से ना, आराम से, आराम से ना, कहीं गिरेगा। आओ आओ, अरे अभी है बेटा, आपके पास दिखाना, इतने बहुत सोना है। आप जिधर चाहोगे? अरे नहीं सूखा बेटा, सही है, वो बनाया त्रिशूल बनाया इसमें। गंगा मैया, हमारी बोट चल रही है, अब हम लोग चारों ओर इसका भ्रमण करेंगे। लेकिन पता है ये बहुत गहरा है,
निकालो। अभी हम लोग नाव में घूम रहे हैं और ये देखिए पूरा जंगल ही है यहाँ पर, पूरा जंगल जंगल है। अच्छा पक्षी है इसमें, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे वो दिखाते नहीं हो एनाकोंडा के जंगल में। एनाकोंडा के जंगल गाइज, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग कोई नेशनल ज्योग्राफी चैनल में देखते थे वैसे ही जंगल लग रहा है। इधर देखो फूका मार रहे हैं हमारे भैया, बोटिंग कर रहे हैं। ये देखिए कमल की कलियाँ ये है, ये कमल के पेड़ हैं। अरे आप डरो बेटा, कुछ नहीं होता। गाइस यहाँ पक्षी बहुत सारे हैं, देखो पक्षियों की आवाज़ देखो, कौवा भी है, बतख भी है। कहाँ है नीलकंठ? ये देखो ये है नीलकंठ, लेकिन कैमरे में नहीं आ पा रहा है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये है सीता माता का मंदिर। यहाँ पर नीचे मैच बना हुआ है और ऊपर धर्मशालाएं बनी हुई हैं, ऊपर रहने के लिए रूम भी बने हुए हैं। ये यहाँ पर गुफा बनाई गई है और इस गुफा के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये काफी अंधेरा काफी इसमें, इसमें मैंने फ्लैश लाइट ऑन की है तो तब उजाला हो रहा है। ऊपर काफी अंधेरा है इसमें गुफा के अंदर। लेकिन काफी अंदर तक डर रहे शिबू। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे रो मत, ये देखो। अरे कुछ नहीं होता, पानी बेटा। क्या हो गया? ठंडा पानी है। देखो देखो वो देखो, वहाँ देखो बेटा, रो कुछ नहीं होता इसमें। देखो खाली पानी तो है, आप खाली रो रहे हो। आप रो मत बेटा। सीतामढ़ी मंदिर के ठीक बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है। जीवन में एक बार सीता माता जी के मंदिर पर जरूर आइएगा। और ये यहाँ की लोकल मार्केट है, यहाँ पर आपको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं।